करैकी की वारदात को अंजाम दिता गया सी। अराउंड 17 लाख रुपया कैश गन पॉइंट की नोक से उतों लुट के ये अपराध होया। मानयोग डी जी पी पंजाब की हिदायतों मुताबिक असी तुरंत ही स्पॉट्स पर पहुँच के टीम बनाई हैं। 157 वड्डे पाई जिहड़ा घनौर थाने च असी ये बैंक मैनेजर के स्टेटमेंट से मुकदमा दर्ज किया। एस पी डी हरबीर अटवाल, डी एस पी घनौर रघबीर सिंह, डी एस पी डी सुखमृत सिंह, इंचार्ज सी आई ए पटियाला शमिंदर सिंह, एंड एस एच ओ घनौर साहब सिंह दे अंडर असी 4-5 टीम बना के नाल दे नाल ही दोषियों के पिछे लग गए। जो सानू इतलाह मिली तो असी चमकौर साहब के एरिए दे चारे दोषी रहन वाले है। इन्हों का नाम अमनदीप, प्रभदयाल, नरिंदर ते दिलप्रीत सिंह हैगा है। तो विद इन लैस दैन 12 आवर्स पटियाला पुलिस ने इस वारदात को ट्रेस किया। इस गैंग के चारे बंदे अरैसट किए ते जिहड़ा 17 लाख कैश लुट हुई सी सारे का सारा 100% कैश रिकवर किया। जिहड़ी गड्डी वारदात लई वरती गई सी वह गड्डी रिकवर की। जिहड़े वैपन्स नाल 12 बोर की जिहड़ी गन आ ते जिहड़े खरपे हैगे उन्हां नूं भी रिकवर किया ते चारे मुलजमान नूं काबू किया। एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर असी इस पूरे मुकदमे असी ट्रेस करके सारी रिकवरी की है। तो मैं पटियाला वासियों अगे भी इंश्योर करना है कि क्राइम डिटेक्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन मेरा बेसिक फोकस रहेगा। तो पटियाला पुलिस हमेशा क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ अपनी ये मुहिम जारी रखेगी। इन बंदियां ते पहला भी अपराधिक मुकदमे जिहड़े हैगे आ दर्ज आ। जिहड़ा ये मेन मास्टरमाइंड अमनदीप सिंह हैगा आ इन्हें पिछले कुछ समय से रोपड़ और फतेहगढ़ साहब के एरिए भी पोस्ट ऑफिस के बैंक च इन्होंने लुट की थी। तो सानू पूरी उम्मीद है कि होर भी कई वारदातां जो असी सस्टेन इंटरोगेशन करांगे तो वह वारदातां भी इन्होंने बंदियों तो निकल के आएंगी। थैंक यू। अमनदीप सिंह हफजाबाद पिंड का सरपंच है जी। सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं सीगा, जबकि क्लियर हिदायतां ने कि बैंक च सिक्योरिटी गार्ड तैनात होना चाहिए। असी प्रोएक्टिव पुलिसिंग जरूर करांगे एंड हरेक वारदात को प्रिवेंट भी करांगे एंड डिटेक्ट भी करांगे। बट मेरी तुहाडे राही सारे जिहड़े बैंक के मुलाजिम ने उन्होंने मेरी अपील है कि बैंक च सिक्योरिटी गार्ड नॉर्म मुताबिक जरूर रखे। सर ट्रेस करन दा सब तो वड्डा कारण की सी कि जल्दी जिहड़ी गिरफ्तारी होई? देखो सब तो वड्डी जिहड़ा साडा सीगा प्रॉम्प्ट रिस्पोंस, मतलब वारदात होण दे 15 तो 20 मिंटां दे अंदर साडियां टीमां उत्थे पहुँच गईयां सी। जिहड़े अफसरां दे मैं नाल लए इन्हां ने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन नाल कल्ला कल्ला सीसीटीवी फुटेज उहदे सीडीआरस लैणे, मतलब टैक्नीकल इन्वेस्टिगेशन करनी, सारे पक्षां नूं कवर करदे होए असीं इस वारदात नूं ब्रेक कीता है। वारदात नूं अंजाम देण तों बाद जिहड़ी बुलट मोटरसाइकिल ते भज्जे सी उह वी रिकवर होया है। ते जिहड़े वैपन्स नाल डरा के जिहड़ी 12 बोर दी गन आ ते जिहड़े लंबे खरपे जे हैगे इह वी रिकवर होए है। मतलब टोटल 100% रिकवरी होई है जी एंड सारे मुलजिम अरेस्ट ने। सर मैं अगे भी पटियाला नूं इंश्योर करना कि असीं क्राइम फ्री एनवायरनमेंट तुहानूं देवांगे। सर जिहड़ी डीवीआर लै गए सी नाल उहदे विच कुछ तथ सामने आया कि किस तरह दा प्लान सी इहनां दा? ओह अजे असीं प्रॉपर कल्ली कल्ली उहदी डीवीआर दी वी फोरेंसिक जांच करावांगे ते हरेक पहलू ते इन्वेस्टिगेशन करांगे। सर इही गैंग है जां इहनां दा किसी होर गैंग नाल तां नहीं, जिवें पहलां जेलां दे विच रहे आ? मतलब सारा अपराधिक पिछोकड़ असीं वेरीफाई करांगे ते इंश्योर करांगे कि इस गैंग दे होर मैंबरां नूं वी काबू कीता जाए। सर इहनां दे 12-13 पर्चे पहलां गए कि उहनां च जमा होईयां? ओह असीं सारा इन्वेस्टिगेट कर रहे हां। जिस तरह नाल घनौर दे विच इंसीडेंट कीता है, इह हरियाणा बॉर्डर वी नेड़े सी, उधर वी भज्जण दी ताक हो सकदी सी इहनां दी? इह जिस तरह रोपड़ वापस चले गए कोई इस तरह दे क्ल्यू सामने? देखो इह भज्जण दी ते गुंजाइश ही नहीं सीगी जी, क्योंकि जिवें कोई इहो जी वारदात हुंदी आ असीं अपना डिस्ट्रिक्ट सीलिंग प्लान जिहड़ा आ उह एक्टिवेट कर दिंदे आ। मतलब जिले नूं जिहड़े भी बाकी जिलियां दी हद्दां ते साडे नाके ने उह एक्टिवेट हो जांदे ते असीं बहुत स्पीडी एंड प्रॉम्प्ट एक्शन इस केस 'च वी कीता ते अगे वी करांगे। थैंक यू सो मच।